नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है द वैल्यू ऑफ sec इनवर्स 1/4 k इक्वल टू 0 टू 10 sec 7π/12 प्लस k π/2 sec 7π/12 प्लस k प्लस 1π/2 इन द इंटरवल -π/4 टू 3π/4 इक्वल्स। ये भी IIT JEE 2019 का क्वेश्चन है बच्चों, आइए हम लोग करते हैं। तो ये हमारा 127वां क्वेश्चन था, आइए इसको करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमको sec इनवर्स कह रहा है कि ये जो है, जो sec इनवर्स है हमारा 1/4, फिर समेशन k इक्वल टू 0 टू 10 sec 7π/12 प्लस k π/2 और फिर से sec, ये हो जाएगा 7π/12 प्लस k प्लस 1π/2, ये हो गया। तो यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो सबसे पहले sec इनवर्स के अंदर की ये जो वैल्यूज़ हैं मैं इनको सॉल्व कर लेता हूँ, फिर बाद में मैं इनकी जगह यहाँ रख दूँगा। तो मैं इसमें जो है ये वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करूँ अगर, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ समेशन k इक्वल टू 0 टू 10 sec 7π/12 प्लस k π/2 और फिर से sec 7π/12 प्लस k प्लस 1π/2 ए पाई। तो ये हो गया हमारा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि समेशन k इक्वल टू 0 टू 10 1/, ये कॉस में आ जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस 7π/12 प्लस k π/2 और ये हो जाएगा कॉस 7π/12 प्लस k प्लस 1π/2, ये हो गया हमारे पास। अब इसको जो है आगे सॉल्व करेंगे, तो ये जो है k इक्वल टू 0 टू 10 है, तो मैं क्या करता हूँ, इस 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन जो है π/2 लिख सकता हूँ। तो समेशन k इक्वल टू 0 टू 10 यहाँ मैंने साइन π/2 लिख दिया मित्रों, फिर उसके बाद हमने यहाँ कॉस 7π/12 प्लस के π/2 ये वैसे ही लिख दिया 7π/12 प्लस k प्लस 1π/2। अब मैं क्या करूँगा कि जो है इसको समेशन k इक्वल टू 0 टू 10 हो जाएगा और यहाँ पर मैं जो है साइन इसमें जो है कुछ जोड़ूंगा और घटाऊंगा। तो 7π/12 मैंने जोड़ दिया और यहाँ देखिए घटा दिया और फिर से जो है इसमें जो है k π/2 मैंने जो है जोड़ दिया और ये k π/2 मैंने माइनस कर दिया और ये π/2 तो था ही, तो प्लस π/2 ये ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया। अब इसमें मैंने अपॉन में जो है ये जैसे था वैसे ही इसको लिख दूंगा। तो ये जैसे था कॉस 7π/12 प्लस k π/2 कॉस 7π/12 प्लस k प्लस 1π/2, ये मैंने वैसे ही लिख दिया। अब उसके बाद जो है समेशन k इक्वल टू 0, ये k इक्वल टू 0 से 10 है, k इक्वल टू 0 टू 10 और ये हो जाएगा साइन। अब इसमें पेयरिंग करूँगा तो ये हो जाएगा साइन 7π/12 प्लस 7π/12 प्लस, यहाँ पर अगर देखें तो ये k π/2 और ये प्लस π/2, इनको एक साथ ले लेता हूँ तो ये k प्लस 1π/2 हो गया और यहाँ से मैं देखूँ तो ये हो जाएगा हमारा माइनस में और ये हो जाएगा माइनस, माइनस वाला कॉमन ले लेता हूँ तो 7π/12 प्लस k π/2, ये हो गया और ये बिग ब्रैकेट हमारा से क्लोज कर देते हैं इसको भी ब्रैकेट से। तो इनको एक साथ ले लिया और इसको ब्रैकेट में एक साथ ले लेते हैं, अपॉन में पूरा वैसे ही कॉस 7π/12 प्लस के π/2 कॉस 7π/12 प्लस के प्लस 1π/2, अब ये हो गया हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर तो ये साइन ए माइनस बी बन रहा है, तो इसको साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले से इसको एक्सपेंड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन ए 7π/12 प्लस के प्लस 1π/2 साइन ए कॉस बी 7π/12 प्लस के π/2 साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 7π/12 प्लस के प्लस 1π/2 इंटू साइन 7π/12 प्लस k π/2, ये हो गया।
अपॉन में ये हो जाएगा, ये वैसे ही कॉस 7π/12 प्लस के π/2 इंटू कॉस 7π/12 प्लस के प्लस 1π/2, ये हो गया। अब इनको सेपरेट करेंगे अलग अलग, इसको इधर से सेपरेट करेंगे, इसको इधर सेपरेट करेंगे, तो कॉस जो है हमारा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमें मिल जाएगा के इज इक्वल टू 0 to 10, ये कैंसिल आउट हुआ, तो ये हमारा बन गया टेन 7π/12 प्लस के प्लस 1π/2, और इसको जब सेपरेट करेंगे इधर से तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ मिल जाएगा हमको माइनस, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे इसको, टेन 7π/12 प्लस के पाई, ये के है हाँ, तो प्लस के पाई बाई टू, ये हो गया हमारा। अब उसके बाद जो है, जब इतना हो गया तो अब इसके बाद यहाँ 0 to 10 जो है यहाँ रखेंगे, k की वैल्यू पहले 0 रखेंगे इसमें, तो अगर मैं यहाँ 0 रखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, टेन 7π/12 और k की जगह 0 रखूँगा तो प्लस π/2 यहाँ आ जाएगा, एक वैल्यू हो गई। फिर यहाँ पर इसी तरह 0 यहाँ पे भी रखना होगा, पहले 0 इस पूरे में रखेंगे, तो यहाँ 0 रखेंगे, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस टेन 7π/12। इसी तरीके से k 0 के बाद 1 रखेंगे यहाँ पर, तो k 1 रखेंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस टेन 7π/12, ये हो गया प्लस पाई, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर भी के 1 रखेंगे तो ये माइनस टेन 7π/12 प्लस π/2, ये हो जाएगा। फिर माइनस के बाद फिर से यहाँ रखेंगे, 1 के बाद 2 रखेंगे, तो यहाँ 2 रखेंगे तो टेन 7π/12, 2 + 1 3, तो 3π/2 हो जाएगा बच्चों। फिर उसके बाद ये हो जाएगा, यहाँ पर भी उसी तरीके से रखेंगे 2, तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट, तो माइनस टेन 7π/12 प्लस पाई। इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि 0 रखा तो ये हमें मिला k की जगह, फिर 1 रखा तो ये मिला, k की जगह 2 रखा तो ये मिला, इसी तरीके से 10 तक रखते जाएंगे, तो लास्ट में जो वैल्यू है 10th वाली वो आ जाएगी। यहाँ पर जब 10 रखेंगे आप तो 10 + 1 11 हो जाएगा, यानी टेन 7π/12 प्लस 11π/2 माइनस, ये 10 रखेंगे तो माइनस टेन 7π/12 प्लस 10π/2, यानी ये हो जाएगा 5π हो जाएगा, ये हम लोग देख सकते हैं। तो अब हमारा जो है सब कट जाएगा और बचेगा क्या हमारा, यहाँ पर बचेगा टेन 7π/12 प्लस 11π/2, ये बचेगा ये वाला और इधर से इधर वाला, तो ये हो जाएगा माइनस टेन 7π/12। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो है हमारा 7π/12 प्लस 5/2 है, और इधर से 7π/12 प्लस 5/2 ये कैंसिल आउट हो रहा है, फिर यहाँ से ये इससे कैंसिल आउट होगा, इसी तरीके से ये इधर वाले से कैंसिल आउट होगा, इधर से ये इससे पहले वाले कैंसिल आउट होगा, तो बचेगा क्या, ये बच रहा है हमारे पास और ये बचेगा, तो वही मैंने यहाँ लिख दिया, जैसे टेन 7π/12 प्लस 11π/2 माइनस टेन 7π/12। अब इसको और सॉल्व करते हैं, तो ये तो हमारी वैल्यू आई है जो इस sec इनवर्स के अंदर ये है, इसको सॉल्व करने पे आई है, तो अभी तो और भी करना है, तो इसको और सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा जो बचा है पोर्शन, टेन 7π/12 प्लस 11π/2 माइनस टेन 7π/12। तो ये चीज़ तो हमें पता है कि ये जो है हमारा और सॉल्व अभी होगा, तो ये सॉल्व और करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7π/12 है, 7π और 11π है, और ये जो है 6 है, तो ये इसमें जो है सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा टेन π/12 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो जब ये टेन π/12 आ गया, और इधर से जो है सॉल्व करेंगे ये माइनस टेन 7π/12, ये हो गया। तो ये जो है टेन 7π/12 को मैं ये भी लिख सकता हूँ कि टेन π/12 माइनस, और इसको टेन 7π को मैं लिख सकता हूँ π/2 माइनस π/12,
ऐसा भी लिख सकता हूँ प्लस पाई बाई ट्वेल्व, सॉरी, तो इसको मैं प्लस लिखूँगा तो यहाँ पर सिक्स पाई प्लस पाई सेवन पाई बाई ट्वेल्व हो जाएगा, तो ये टेन नाइन्टी प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा दे देगा, तो टेन पाई बाई ट्वेल्व है ये बच्चों इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये पाई बाई ट्वेल्व मिलेगा। फिर उसके बाद जो है माइनस टेन और इधर से ये सॉरी कॉट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉट पाई बाई ट्वेल्व। अब ये हमको पता है कि टेन पाई बाई ट्वेल्व प्लस कॉट पाई बाई ट्वेल्व को इसको आराम से हम लोग साइन अपॉन कॉस में बदल देंगे, तो ये साइन पाई बाई ट्वेल्व अपॉन कॉस पाई बाई ट्वेल्व हो जाएगा प्लस कॉस पाई बाई ट्वेल्व अपॉन साइन पाई बाई ट्वेल्व हो जाएगा। अब एलसीएम लेंगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन बन जाएगा, इसलिए वन अपॉन साइन पाई बाई ट्वेल्व कॉस पाई बाई ट्वेल्व हो जाएगा। अब ऊपर नीचे टू का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो देखिए टू साइन ए कॉस ए बन रहा है, यानी साइन टू ए हो जाएगा, यानी साइन टू ए ए हमारा पाई बाई ट्वेल्व, तो ये हो गया हमारा साइन पाई बाई सिक्स। अब ये साइन पाई बाई सिक्स जो होता है वन बाई टू होता है, तो ये टू ऊपर चला गया ये फोर हो गया। अब जो है हमारा देख सकते हैं कि फोर आ गया, तो यानी इस पूरे को यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करने पे फोर आया है, तो ये हमारा वैल्यू हो गया। सेक इनवर्स की वैल्यू पूछ रहा है तो सेक इनवर्स वन बाई फोर इंटू फोर हमने लिख दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व किया तो ये सेक इनवर्स वन आया और वन को सॉल्व किया तो ये जीरो पे देता है वन, तो यानी इसका आंसर हमारा ज़ीरो हो गया। तो ये आईआईटी जेई 2019 का क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए ये हो गया। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जो है आईआईटी जेई 2018 का क्वेश्चन है, इसमें कह रहा था द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन साइन इनवर्स, और इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ, आई इज इक्वल टू वन टू इन्फाइनाइट एक्स इज की पावर आई प्लस वन माइनस एक्स आई इज इक्वल टू वन से इन्फाइनाइट ब्रैकेट में एक्स बाई टू की पावर आई, फिर उसके बाद ये जो है इक्वल दिया हुआ है हमारा पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स समेशन आई इज इक्वल टू वन टू इन्फाइनाइट माइनस एक्स बाई टू आई माइनस समेशन आई इज इक्वल टू वन टू इन्फाइनाइट माइनस एक्स आई लाइंग इन द इंटरवल माइनस वन बाई टू टू वन बाई टू एच। हियर द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन इनवर्स एक्स एंड कॉस इनवर्स एक्स एज्यूम्स वैल्यूज इन माइनस पाई बाई टू एंड जीरो कॉमा पाई रेस्पेक्टिवली। तो ये भी आईआईटी जेई 2018 का क्वेश्चन है, आइए इसको करते हैं हम लोग। तो इसमें जो है दिखने में ये क्वेश्चन जो है भयंकर दिख रहा है, लेकिन ये एकदम ईजी है। हम सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं कि अगर हम इसका समेशन खोलें तो ये एक जीपी सीरीज बन जाएगी, तो यही हम लोग यहाँ कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो 127 क्वेश्चन के बाद आते हैं 128 क्वेश्चन पर, और इसमें जो है सिंपली हमको जो क्वेश्चन में दिया हो पहले मैं वो लिख लेता हूँ, साइन इनवर्स है, फिर उसके बाद समेशन आई इज इक्वल टू वन से इनफाइनाइट है, फिर एक्स की पावर आई प्लस वन है माइनस एक्स समेशन आई इज इक्वल टू वन से इनफाइनाइट है, फिर ये एक्स अपॉन टू की पावर आई है ये इक्वल टू में है पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स समेशन आई इज इक्वल टू वन से इनफाइनाइट है, फिर ये है हमारा माइनस एक्स बाई टू की पावर आई, फिर माइनस में है समेशन आई इज इक्वल टू वन से इनफाइनाइट, और ये है हमारा माइनस एक्स की पावर आई, ये हमारा क्वेश्चन में है। तो हमने एक जीपी सीरीज़ पढ़ी थी जिसमें इनफाइनाइट जीपी सीरीज़ का फॉर्मूला था ए अपॉन वन माइनस आर, तो यही हम लोग यूज़ करेंगे। तो आप अगर यहाँ पर देखें तो बच्चों ये हमारा क्या बन जाएगा, मैं इसको एक्सपेंड करके लिखूँ तो साइन इनवर्स, और मैं इसको अगर समेशन हटा करके आई की जगह वन रखूँ तो ये हो जाएगा वन प्लस वन टू, यानी एक्स स्क्वायर बनेगा, फिर हमारा बनेगा वन के बाद टू रखूँ तो टू प्लस वन थ्री हो जाएगा एक्स क्यूब, फिर x की पावर 4, फिर ऐसे ये बनता चला जाएगा, ये कब तक जाएगा इनफाइनाइट तक जाएगा। फिर इसी तरीके से इसको करूँगा मैं अगर तो माइनस एक्स मल्टीप्लाई में, फिर 1 रखता हूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास x बाई टू, टू रखता हूँ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई फोर, थ्री रखता हूँ तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन टू की पावर 3, ये इस तरह चलता चला जाएगा, ये हमारा ब्रैकेट क्लोज हो गया। उसी तरह इक्वल टू में ये जो है ये भी उसी तरीके से है, और ये पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स, यहाँ पर भी वन रखूँगा मैं तो ये हो जाएगा हमारा माइनस, यहाँ पर जो है आई की जगह वन रखूँगा तो माइनस एक्स बाई टू, फिर जो है टू रखूँगा तो प्लस एक्स स्क्वायर बाई फोर,
थ्री रखूँगा तो माइनस एक्स क्यूब अपॉन एट, इस तरीके से ये होता चला जाएगा। और ब्रैकेट में ये जो है इसके बाद ये भी है, तो ये मैं बिग ब्रैकेट बना देता हूँ। माइनस इसी तरह यहाँ रखूँगा तो ये हो जाएगा एक्स के आई की जगह वन, तो ये माइनस एक्स, फिर टू रखूँगा तो ये हो जाएगा माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, फिर थ्री रखूँगा तो माइनस एक्स क्यूब। तो इस तरीके से ये चलता चला जाएगा अप टू इनफाइनाइट तक ये जाएंगे। अब देख सकते हैं आप कि ये भी एक जीपी सीरीज़ बन रहा है जिसका कॉमन रेशियो हमारा क्या है, एक्स है। यहाँ पर भी कॉमन रेशियो सेम मिल रहा है, यहाँ भी कॉमन रेशियो सेम है, यहाँ भी कॉमन रेशियो सभी का सेम है। मतलब इसका जो है जिसका भी कॉमन रेशियो सेम होता है तो वो जीपी सीरीज़ हो जाती है। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो जो कॉमन रेशियो आएगा वही रेशियो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा। तो ये हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं चलिए इतने में हो जाएगा। तो ये जो है हमारा साइन इनवर्स, तो जीपी सीरीज से हम लोग इसको लिखेंगे। तो ए है हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स, और ये हमारा हो जाएगा जीपी सीरीज से माइनस एक्स, ये पहला एलिमेंट है एक्स बाई टू, ये तो एक्स वाला ये है, और इसके बाद पहला ये हो जाएगा, ये हो जाएगा वन माइनस एक्स बाई टू, ये ब्रैकेट दिस इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स में है ये, तो कॉस इनवर्स और फिर से ब्रैकेट, यहाँ पर हमारा पहला एलिमेंट माइनस एक्स बाई टू अपॉन वन प्लस एक्स बाई टू, फिर माइनस माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, ये हो गया हमारा। तो ये एक हमारी इनफाइनाइट जीपी सीरीज हो चुकी है। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो इसको सॉल्व अगर करेंगे तो ये हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा साइन इनवर्स, और यहाँ से जो है हम लोग एलसीएम लेंगे इसको और सॉल्व करेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स, और यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में ये एक्स स्क्वायर, और ये टू माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू पाई बाई टू। अच्छा, पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जो है पाई बाई टू होता है। तो पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो मैं इस पूरे की जगह पे साइन इनवर्स लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स एक्स, तो ये पाई बाई टू हटा देता हूँ, साइन इनवर्स, और ये एक्स क्या है, ये पूरा है। तो इस पूरे को सॉल्व करेंगे अगर, तो ये जो है टू टू कट जाएगा, यहाँ से माइनस एक्स जो है हमारा ये हो जाएगा एक्स, और इधर से जो है हमारा ये चीज़ जो है माइनस में आ रहा है, पहला एलिमेंट थी का ये दो है, दूसरा माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और इसमें जो है माइनस एक्स बाई टू है, तो यहाँ से दूसरा एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, तो माइनस में है ये तो कॉस, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ से, तो ये हमारा सॉल्व करने पे आएगा माइनस एक्स अपॉन टू प्लस एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। अब इनको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा सॉल्व करने पर बोथ साइड से साइन इनवर्स हटा देते हैं कंपेयर करके, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स, और ये एक्स स्क्वायर बोथ साइड कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा वन माइनस एक्स माइनस वन अपॉन टू माइनस एक्स, और इधर से भी एक्स कॉमन है कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन टू प्लस एक्स प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स। अब इसको जो है सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये टू माइनस एक्स, फिर माइनस वन माइनस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स टू माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन प्लस एक्स, फिर प्लस टू प्लस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स और टू प्लस एक्स हो जाएगा, ये हो गया। अब इसको जो है हम देख सकते हैं कि माइनस एक्स ये आएगा, तो माइनस एक्स से प्लस एक्स कट जाएगा, और इधर से देख सकते हैं कि माइनस एक्स से ये वाला एक्स कट जाएगा, तो टू माइनस वन वन ही बचेगा केवल, तो वन अपॉन वन माइनस एक्स टू माइनस एक्स हो जाएगा, और ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस वन और प्लस टू, यानी ये भी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स और टू प्लस एक्स बचेगा। चलिए ये हमारा हो गया। अब इसको और सॉल्व करेंगे अभी, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स से ये एक एक्स कैंसिल हो गया, फिर एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स,
इक्वल टू वन माइनस एक्स, टू माइनस एक्स आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक्स प्लस एक्स हो जाएगा, फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा हमारा, फिर हो जाएगा हमारे पास प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, फिर जो है ये हो जाएगा प्लस टू एक्स। दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इसमें, फिर ये माइनस थ्री एक्स, फिर प्लस टू हो जाएगा। अब उसके बाद जो है इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा एक्स क्यूब और थ्री एक्स स्क्वायर माइनस ये आएगा तो ये हो जाएगा प्लस टू एक्स स्क्वायर, फिर ये प्लस फाइव एक्स माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से हम लोग ये हो गया एक, और यहाँ से जो है जब इनको जो है सॉल्व करेंगे पेयरिंग करके तो ये आ जाएगा और एक्स इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा यहाँ पर एक। चूँकि यहाँ पर मैं ये x जो है काट दिया हूँ, इसको ना काट करके मैं x कॉमन लूँगा तो ये x इक्वल टू ज़ीरो आएगा, क्योंकि काटने से एक आंसर हमारा हट जाएगा, इसलिए इसको कैंसिल नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से एक x कॉमन ले लेंगे तो या तो ये होगा, तो या तो ये आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर पहले x स्क्वायर ही मैं बने रहने देता हूँ, फिर जब इसको इधर करूँगा तो यहाँ से जो है ये एक x, यहाँ से ये एक x आएगा, फिर इन लोगों को इधर लाऊँगा तो यहाँ से जो मेरा ये चीज़ जो है एक्स स्क्वायर में ये एक्स बन जाएगा और ये ब्रैकेट में ऐसे ही रहेगा, और ये वाली चीज़ जो है हमारी ये एक एक्स इसके साथ लेके मल्टीप्लाई कर दिया हमने, और ये एक्स है और ये इधर ले लिया, फिर इसको इधर ले गए, फिर यहाँ से एक्स एक्स कॉमन ले लिया और फिर ब्रैकेट में ये आ गया, तो ये आ गया। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, या तो एक्स इक्वल टू ज़ीरो होगा या तो ये पूरा जो है पोर्शन ज़ीरो होगा। तो इस पूरे पोर्शन को मैं एफ एक्स मान लेता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरे पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस टू, ये हो गया। अब उसके बाद जो है हमारे को क्वेश्चन में जो है सिंपली जो है आगे जो है इनका डिफ्रेंशिएशन करता हूँ अगर मैं, तो ये आ जाएगा मेरे पास एफ डैश एक्स इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव, ये हो गया। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा एफ डैश एक्स है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ग्रेटर देन ज़ीरो और एक्स इज द एलिमेंट ऑफ आर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स इज द, यहाँ पर लिखूँगा ऐसे कि एफ एक्स हैज़ ओनली वन रियल रूट्स, एक केवल रूट्स होगा, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक तो ये और एक यहाँ से ओनली वन रियल रूट आया वो ये हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो गया बच्चों, और आज के लिए इतना ही, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।